दादा गौतम का अभी बीजेपी एक तरफ अस्तित्व में कम से कम 20-22 वोटों से बीजेपी का आया था पब्लिक आई 20,000 दादा गौतम जीतेगा जी जी क्या कुछ माहौल है चुनाव का बहुत बढ़िया माहौल है जी किसका माहौल है दादा गौतम का अभी बीजेपी एक तरफ अस्तित्व में कम से कम 20-22 वोटों से 20-22,000 वोटों से जीत होगी पब्लिक यहाँ से कम जी 5,000 पब्लिक है जी हाँ जी बिल्कुल जुट गई जी सीएम नायब सैनी की और आदित्यनाथ योगी के अंदर कितना असर पड़ रहा है चुनाव कम से कम जी यहाँ से 90% असर पड़ रहा है और 20-22,000 वोटों से जीत होगी दादा गौतम की जी कमल खिला का मानोगे बिल्कुल जी पाजू कला से जी पाजू कला से कम जी 1,000-1,100 मोटरसाइकिल आई है जी कम से कम अंकल किसका माहौल है दिखाई नहीं दे रहे आपको पूरी सृष्टि देख रही है इसका तो किसका बीजेपी का आया देखो पब्लिक आई है गांव बड़ताड़ा से बिलोंग करता हूँ कितनी पब्लिक आ रही है बड़ताड़ा मेरे गांव से 300 आदमी चैलेंज करके बोलता हूँ बस और गाड़ियों में किसी का कोई नहीं अपनी जेब से लगा रहे हैं अपनी जेब से मैं इसी के गाँव का इसी के गाँव हाँ जी प्यार प्रेम मोदी बहुत करते हैं जी मोदी से दो प्यार प्रेम मोदी ने बगैर पैसे मेरी लड़की लगी जी मोदी राज में और क्या देगा मोदी स्थापति हाँ जी अभी हाँ बिना खर्ची बिना पर्ची लगी है देखो क्या नहीं दिया मोदी राज ने एजुकेशन का सुधारने लग रहा है स्वास्थ्य से वो दे दी ये आयुष्मान एक गरीब आदमी कहाँ से 5,00,000 रुपया लगा था कोई बीमारी होती और गुंडा राज में क्या होता था उनके दल्ले तो एक काम होते थे हुड्डा सरकार में मेरा वेटिंग में नंबर टॉप में नंबर था 0 बना दिया था दीपेंद्र हुड्डा की पर्ची खर्चे सब कुछ उसके हर गांव में दलाल होते थे आज के दिन बीजेपी राज में जाके देखो कोई कुर्ता जमा वाला या कैसे मैं पैसे लेने वाला हूँ सब है ना चुहा ना जो बिल में पड़ जा नूप जा रही बुना नूप मरा सास आ रहा है कि भाई आ जा वहाँ कुछ सास आ जा क्यों कर्जा बैठ लिए ड्रिंक करें ज्यादा और इस राज में तो जो बीजेपी वर्कर हो इन चीजों से हट के है केला का अंकल कितनी का वोट है जीतता गए हां जी रामकुमार गौतम कितनी का वोट है जीतता 20,000 का जिता दोगे 20,000 का जिताओगे कैसा काम है काम बता कालवा 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 में कितने आदमी आए कालवा तो फूल आए हैं फूल कितने का रहे आए होंगे 2,000 आदमी 2,000 हाँ इतने कालवे में कालवा में 20,000 लोग हैं हाँ मुआना भी पान करती है कालवा में 20,000 आदमी हुए दादा गौतम जीतेगा जी कितनी की वोट यहाँ से कम 40,000 वोट से मेरा सभी दो अच्छा सर कौन से वार्ड थे 5 वार्ड से कितनी पब्लिक आ रही है पब्लिक वहाँ से बतेरी आ रही है कितना का असर पड़ेगा चुनाव आदित्य के बहुत ज्यादा असर पड़ेगा 100% प्रभाव पड़ेगा नायब सैनी के पहुंचने पे यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी के पहुंचने पे पब्लिक देख लो आप कम से कम 15,000 प्लस लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इतनी जनता गांव के अंदर है जो साइलेंट वोट है बीजेपी की दादा राम कुमार गौतम जीता का मानोगे जीता का निकती भारी बहुमत है जितना वजन दादा राम कुमार गौतम में नहीं उसका ज्यादा वजन से वोटों के ज्यादा वजन से दादा राम कुमार गौतम को जिता के हम विधानसभा में भेजेंगे कहाँ से हाँ जी बहादुरगढ़ गांव से कितने बंदे आए हमारे गांव में आए हो कम से कम 100 बंदे हाँ जी हाँ समर्थन देने बहुत बढ़िया माहौल है कांग्रेस ने तो कभी कुछ किया ही नहीं देश के हित में जो बीजेपी ने किया है हमारे जवान रक्षा पर रक्षा करते हैं हमारी सरहदों पर उन पर पत्थर बरसा कर दे जब कांग्रेस की सरकार थी पत्थर बरसा कर दे उन पर किसी ने सूद नहीं ली उनकी और अब कहीं पत्थर बरसे नजर आए आपने कभी खबर में सुना अभी जवानों पर पत्थर बरसे हैं कितनी वोटों से जिताओगे जिताओगे हम 40,000 वोट जिताओगे गौतम ने